हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा स्कोर गाइज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ वीवो फोन के लिए एक बहुत ही प्यारी सी थीम्स के बारे में, जिसका जो नाम होने वाला है वो होने वाला है कलर ओएस मैक्स थीम्स। आई होप कि ये जो थीम्स है आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और फ्रेंड्स लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज, बिना देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे हम जो थीम्स को अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे हमने जो कर दिया ठीक है, एंड इसका अप्लाई प्रोसेस आपको आगे बताऊंगा, कंप्लीट जरूर देखिएगा और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे फाइनली गाइज हमारी जो थीम्स है वो अप्लाई हो चुकी है ठीक है गाइज। और यहाँ पे थीम्स अप्लाई होने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जो कि काफी खतरनाक टाइप लग रहा है। आप लोग देख सकते हो जो कि काफी अच्छा लग रहा है, लुक से लेकर हर एक चीज यहाँ पे काफी कमाल की है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आइकन में गाइज किसी टाइप का कोई भी बग देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे टोटली आइकन जो है वो काफी जबरदस्त है और हर एक चीज काफी अच्छे से मॉडिफाई की गई है। एंड गाइज यहाँ पे आप नीचे के साइड बटन बार में देखोगे यहाँ पे जो है वीवो लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा आपको। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें इसके बैटरी की, तो बैटरी गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि कलरफुल बैटरी है। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें वॉलपेपर की, तो होम स्क्रीन का लुक काफी खतरनाक लग रहा है देखने में, जो कि काफी अच्छा लुक आपके फोन को प्रोवाइड करा देता है। एंड अगर गाइज बात करें इसके कंट्रोल सेंटर्स की, तो कंट्रोल सेंटर्स गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितना प्यारा है, कलरफुल है, रेड टाइप ऑरेंज टाइप आपको ये मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे ब्राइटनेस और ये जो वॉल्यूम स्टाइल से वो भी चेंजेस देखने को मिलेगा। और इसी के साथ अगर बात करें गाइज हम इसके जो कि नोटिफिकेशन पैनल की, तो नोटिफिकेशन पैनल भी यहाँ पे टोटली हमारा चेंजेस देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड्स और चीजों के बारे में बात हम लोग करते हैं, जैसे कि इसके डायलर के, तो डायलर भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डायलर गाइज आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का डायलर है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है और किसी टाइप का कोई भी वक्त देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारा कुछ जो है काफी अच्छा है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड गाइज अगर बात करते हैं इसी के साथ इसके सेटिंग्स बैकग्राउंड की, तो सेटिंग्स बैकग्राउंड यहाँ पे टोटली चेंजेस देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा लुक आपके फोन को यहाँ दे देता है। गाइज आप लोग देख सकते हो सारी चीजें जो है काफी अच्छे से यहाँ पे मॉडिफाई कर दी गई है। और गाइज अगर बात करें इसके मैसेज बॉक्स की, तो मैसेज बॉक्स भी यहाँ पे टोटली चेंजेस है। कोई भी मैसेज बॉक्स वगैरह अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जो कि पूरा गजब का लुक देगा आपके फोन को। चलिए अब और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि इसकी मेन हाईलाइट होती है लॉक स्क्रीन, तो लॉक स्क्रीन को हम चेक कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे लॉक स्क्रीन यहाँ पे कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी जो कि iOS टाइप है। यहाँ पे टाइम वगैरह सारा दिखाएगा, फिलहाल यहाँ पे बैटरी आ रही है ठीक है। तो लॉक स्क्रीन कुछ इस तरीके की मिल जाएगी जो कि काफी अच्छी है और सारे इंटरफेस मिलेंगे। तो यहाँ पे बैटरी चार्ज होती ही बैटरी का आइकन आ रहा है, इसलिए जो टाइम वगैरह नहीं दिख रहा है, लेकिन काफी अच्छे से यहाँ पे मॉडिफाई कर दी गई है। तो कुछ इस तरीके की थीम्स आपको देखने को मिलने वाली है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।